से बोलिए जय श्री हरि। आज मैं आपको अचला एकादशी की महिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। अचला एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अचला एकादशी का व्रत करने से अनेकों अनेक फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति दिलाने वाला है अचला एकादशी का व्रत। अचला एकादशी का व्रत भूत प्रेत के टोने टोटकों से भी मुक्ति दिलाने वाला है। आइए जानते हैं कैसे। बोलिए जय श्री हरि। अति पावन अति सर्वोत्तम मैं कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। अचला एकादशी की मैं महिमा समझाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ज्येष्ठ मास की एकादशी का सार बताता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। अचला एकादशी की मैं महिमा समझाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। सर्वोत्तम एकादशी अति उत्तम एकादशी, ये अचला एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। प्राचीन काल में महीध्वज नामक महाप्रतापी महाधर्मात्मा राजा राज करता था। महीध्वज का छोटा भाई जिसका नाम था वज्रध्वज, वज्रध्वज बड़ा क्रूर था, अधर्मी किस्म का अन्यायी व्यक्ति था। दोनों भाइयों की विचारधाराएं विपरीत थी। वज्रध्वज अपने बड़े भाई महीध्वज से मन ही मन खार खाता था। बात बड़ी प्राचीन है भक्तों तुम्हें सुनाता हूँ, ज्येष्ठ की अचला एकादशी का वर्णन गाता हूँ। महाप्रतापी एक राजा था, महीध्वज था नाम, बल बुद्धि विद्या में श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ थे उसके काम। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा धर्मी, दान पुण्य और दया धर्म से रहता था वो दूर। मन ही मन में बड़े भाई से खाता था वो खार, लड़ता झगड़ता था भाई से करता था तकरार। सुनो ध्यान से अब आगे मैं कथा बढ़ाता हूँ, मैं कथा बढ़ाता हूँ। अचला एकादशी की मैं महिमा समझाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। सर्वोत्तम एकादशी अति उत्तम एकादशी, ये अचला एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। वज्रध्वज अपने बड़े भाई महीध्वज से मन ही मन में खार खाता था। ये बात सारा राज्य जानता था। वज्रध्वज राज्य की प्रजा को सताता था, उन्हें कष्ट पहुंचाता था, जो महीध्वज को पसंद नहीं था। दोनों भाइयों में अक्सर तकरार होती रहती थी। एक दिन मौका पाकर धोखे से बड़े भाई महीध्वज को मार देता है और राज गद्दी पर खुद बैठ जाता। मृतक शरीर बड़े भाई का जंगल में लाया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खुदवाया।
उस गड्ढे में लाश लिटा के मिट दिया है डाल। इसके आगे क्या होता है बतलाता हूँ हाल। बन के प्रेत आत्मा उसकी वन में भटक रही, उसकी आत्मा पीपल की डाली पे अटक रही। वहां से जो आते जाते थे उन्हें सताती थी, मरा तड़प के राजा जैसे वो तड़पाती थी। संशय नहीं तनिक इसमें मैं सत्य बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ अचला एकादशी की, मैं महिमा समझाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। सर्वोत्तम एकादशी अति उत्तम एकादशी, ये अचला एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। राजा महीध्वज की आत्मा उसी जंगल में भटक रही थी और जिस पेड़ के नीचे गाड़ा गया था उसी पीपल के ऊपर वास करने लगी थी। उधर से आने जाने वाले को सताने लगी थी, तड़पाने लगी थी। दैव योग से एक दिन अपने शिष्यों के साथ उधर से धौम्य ऋषि निकल रहे थे। पीपल की शीतल छाया देख के थोड़ी देर विश्राम करने की सोचकर पीपल के नीचे बैठ जाते हैं। धौम्य ऋषि पीपल के नीचे करने लगे विश्राम, भटक रहे यह कोई आत्मा गए ऋषि जी जान। पेड़ के ऊपर किसी प्रेत की छाया रहती है, धौम्य ऋषि के दिव्य योग की माया कहती है। यहाँ पे कोई बुरी आत्मा करती है उत्पात, कैसे कैसे क्या हुआ था जान गए हर बात। भटक रही है यहाँ आत्मा महीध्वज राजा की, वृक्ष के नीचे लाश दबी है उस महाराजा की। धौम्य ऋषि फिर क्या करते हैं वो समझाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ अचला एकादशी की, मैं महिमा समझाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। सर्वोत्तम एकादशी अति उत्तम एकादशी, ये अचला एकादशी सर्वोत्तम एकादशी। धौम्य ऋषि का कोमल हृदय द्रवित हो जाता है ये जानकर कि एक महान धर्मात्मा राजा को धोखे से मार के यहाँ गाड़ दिया गया है, उसकी आत्मा भटक रही है। धौम्य ऋषि उस राजा की आत्मा को अपने तपोयोग के बल से नीचे उतार लेते हैं और उस आत्मा को परलोक विदा का उपदेश देते हैं, साथ ही उस आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का मार्ग बतलाते हैं। भटक रही महीध्वज की आत्मा को समझाते हैं, प्रेत योनि से मुक्ति वाला मार्ग बताते हैं। अचला एकादशी का पावन सार सुनाते हैं, उसके व्रत के फल का हर वृतांत बताते हैं। बोल रहे हैं ऋषि आत्मा सुनो लगा के ध्यान, ऋषि जी बोले इसके व्रत से ही होगा कल्याण। तुम्हें प्रेत की इस योनि से मिल जाए मुक्ति, भटक रहे इस व्याकुल मन को मिल जाए तृप्ति।
ऐसी है इस व्रत की महिमा, सत्य बताता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ। अचला एकादशी की मैं महिमा समझाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ। सर्वोत्तम एकादशी, अति उत्तम एकादशी, ये अचला एकादशी, सर्वोत्तम एकादशी। धाम्य ऋषि उस आत्मा को अचला एकादशी की महिमा का सारा वृत्तांत समझाते हैं और कहते हैं इस व्रत को करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है। देकर के उपदेश ऋषि जी करते हैं प्रस्थान, प्रेत आत्मा ने जी भर के किया ज्ञान स्नान। अचला एकादशी के व्रत का पालन करती है, धाम्य ऋषि की दिव्य शक्ति संचालन करती है। अचला एकादशी का फल उसको मिल जाता है, प्रेत योनि से वो राजा छुटकारा पाता है। कंचन वरण स्वर्ण तन पाके स्वर्ग को जाते हैं, अचला एकादशी को नतमस्तक हो जाते हैं। हाथ जोड़ सुखदेव सभी को शीश झुकाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ। अचला एकादशी की मैं महिमा समझाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ। सर्वोत्तम एकादशी, अति उत्तम एकादशी, ये अचला एकादशी, सर्वोत्तम एकादशी। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन 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 नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भज मन 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 नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि भज मन 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 नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि भज मन 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 नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि भज मन 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 नारायण नारायण हरि हरि भज
भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि भजमन 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 नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि भजमन 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 नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि भजमन 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 नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि श्रीम
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 भजमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण 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 नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि भजमन 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 नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण